हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हमको याद रखना है। मैं आज इसमें लिख दे रही हूँ, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसी सीपी एंड एसपी को यूज करके हमको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर हमारा ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस से होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा, और ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा जब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। अगेन प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। प्रॉफिट पूछा गया है मतलब आपको न्यूमरेटर में प्रॉफिट रखना है और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, वो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा दी हूँ, वो वीडियो आप जाके चेक कर लेना। और लॉस पूछा गया है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज हमको निकालना है। देन सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्या है? क्वेश्चन में आपको ये अगर पूछा जाएगा, गेन परसेंटेज दिया रहेगा, तो उसी ये फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे गेन और ये फॉर्मूला यूज होता है, करेक्ट। इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला पहले दे रही हूं, ये आप नोट कर लेना। हंड्रेड प्लस गेन परसेंटेज दिया रहेगा, जब गेन परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको प्लस करना है, जब लॉस रहेगा आपको माइनस करना है। सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस सेम है पर इसमें गेन रहेगा इसमें लॉस रहेगा। किस किस में गेन रहेगा किस में आपको लॉस लिखना है वो आप ये एग्जाम सॉरी ये फॉर्मूला के द्वारा वो उसमें निकाल सकते हो। देन कॉस्ट प्राइस सेम हमको क्या करना है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और गेन परसेंटेज। ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो आप वो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाओगे। चैप्टर नंबर 11 ए एक्सरसाइजेज में ये सब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप चाहोगे तो नोट कर सकते हो, ठीक है, आगे जाके वो हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज इक्वल टू ₹950, गेन हमको 6% दिया गया है। मैं आपको अभी अभी बोली थी कि ये आपके एक्सरसाइजेस में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हम फॉर्मूला वो जो अभी अभी मैं आपको फॉर्मूला दी हूँ वो हम यूज कर सकेंगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, एसपी। एसपी हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 100 प्लस गेन दिया गया है तो गेन परसेंटेज, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे है कि नहीं, इनटू सीपी। आप वो फॉर्मूला चेक कर लेना। नेक्स्ट, 100 प्लस गेन परसेंटेज 6% और ये 100 मतलब 6 लिखना है, गेन परसेंटेज दिया है, इनटू सीपी कितना 950। इसको सॉल्व करेंगे, 106/100 इनटू 950 कट हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो 10 में सॉरी ये 5 ये 53 ये 5 9 तो 53 इंटू 19 फाइनल ₹1007। देयरफॉर एसपी हमारा ₹1007 है।
आ गया आंसर। और हम क्या किए, वो फॉर्मूला ही बस यूज किए, क्योंकि बाकी हमको जो जो गिवन है बस आपको याद करना है कि वो कौन सा फॉर्मूला में यूज होता है, ठीक है, वही लाके आपको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी 2400 एंड एसपी 2592, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको पूछा गया फाइंड द गेन और लॉस, मतलब आपको बोलना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, इसी हिसाब से आपको फॉर्मूला डालना है। वो कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस हमारा 2400 है और सेलिंग प्राइस है 2592, तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 2592 रुपीस माइनस 2400 है कि नहीं, तो कितना आएगा हमारा आंसर रुपीस 2992 रुपीस प्रॉफिट। अभी हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के बाद ही परसेंट आप निकालोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वो भी हमारे फॉर्मूला में है, तो क्या है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट हमारा कितना है 192, कॉस्ट प्राइस 2400 इनटू 100, करेक्ट, तो ये हमारा कट हो गया, कितना आएगा 2 में 96 अगेन 8, तो टोटल हमारा प्रॉफिट 8% है। वाला जी ओके, इसी हिसाब से पहले आपको चेक करना है लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला डालना है, बस इतना ही चेक करना है इस क्वेश्चन पर, क्योंकि फाइंड गेन और लॉस दोनों पूछा गया है, लॉस भी हो सकता है, तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से चेक करके फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 1650 एंड सेलिंग प्राइस 1452, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, क्या हुआ दिमाग में आपको लाना है, वो मतलब हुआ क्या, तो कॉस्ट प्राइस इज इधर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो गया, तो लॉस हो गया, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस में हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 1650 माइनस 1452, ठीक है, आंसर कितना 198 रुपीस हमारा लॉस हुआ है। लॉस निकालने के बाद लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100, 100 हमारा परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन के साथ, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, अगर चाहिए तो वो वीडियो फर्स्ट चेक कर लेना, उसके बाद ये आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो लॉस हमारा कितना है 198, कॉस्ट प्राइस 1650 इनटू 100, कट कर लेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, कितना 6, कितना निकल रहा है 6 into 2 12%, therefore
लॉस परसेंटेज हमारा कितना 12%। ओके आंसर। नेक्स्ट, सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर रुपीज 13,600 एंड स्पेंड रुपीज 400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 16,800। फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब पहले प्रॉफिट निकालना है, गेन मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है जो कि हमारा गेन परसेंट। करेक्ट। तो गिवन क्या क्या है वो लिख देंगे। पहले कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, सुधीर बॉट, बॉट मतलब वो लाया है, कॉस्ट प्राइस उसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ आन अलमीरा इज इक्वल टू रुपीज 13,600 है कि नहीं। नेक्स्ट उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना रुपीज 400, इसको हमको ऐड करना है। लास्ट वीडियो में मैं आपको समझाई हूं कि ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, सेल टैक्स, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, ये सब हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। और वो मैं इसलिए आपको समझाई थी कि ये आपको क्वेश्चन में ये दिए रहेंगे, अगर नहीं दिए तो चलेगा, अगर दिए रहेंगे तो आपको किस में ऐड करना है, कॉस्ट प्राइस पे उसको ऐड करना है जो कि हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। करेक्ट। वो जो कॉस्ट प्राइस इधर गिवन है उसी को काउंट हमको नहीं करना है, अगर कुछ एडिंग चार्जेस रहा है तो आप ऐड करके फाइनल कॉस्ट प्राइस को आपको लेना है। तो इधर फाइनल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 14,000। करेक्ट। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस 14,000 हो गया, इसी 14,000 को हमको हर जगह अप्लाई करना है, नहीं कि 13,600, यही आपको दिमाग में रखना है बस। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ही सोल्ड इट फॉर मतलब सेलिंग प्राइस 16,800। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 14,000 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा 16,800। तो प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ, गेन कितना हुआ, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि 16,800 से 14,000 माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा कितना 2,800। करेक्ट। नेक्स्ट गेन निकालने के बाद गेन परसेंटेज जो कि प्रॉफिट, अदरवाइज प्रॉफिट परसेंटेज, कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गेन हमारा कितना हुआ है, गेन डिवाइडेड बाय मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट 2,800, कॉस्ट प्राइस कितना 14,000 इनटू 100, तो कट हो जाएगा, इसमें कट हो जाएगा 20, आंसर 20, ठीक है 20%। Therefore, गेन परसेंटेज मतलब हमारा जो फाइंड हिज गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि परचेज्ड ऑन ओल्ड हाउस फॉर रुपीज 7,650,000 मतलब 7,65,000 एंड स्पेंड 1,15,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। देन ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 5%, हाउ मच डिड ही गेट। करेक्ट। तो क्या क्या गिवन है वो हम पहले लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस कितना 7,65,000 और स्पेंड कितना किया है 1,15,000
5000 1,15,000। तो उसी को हम पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो रिपेयरिंग में खर्चा किया है तो वो उसका एडिशनल चार्जेस हो गया। तो एडिशनल चार्जेस हम किस पे ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। सेम हम कॉस्ट प्राइस पे यदि ऐड कर लेते हैं तो कितना हुआ 8800000, मतलब 4088। ठीक है, तो अभी हमारा गेन गिवेन कितना है, गेन परसेंटेज ऑलरेडी गिवेन है क्योंकि ही सोल्ड इट। ठीक है, 5%। नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस, उसको मतलब हाउ मच डिड ही गेट, सेलिंग प्राइस में वो कितना रुपया कमाया है, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, ये फाइनल कॉस्ट प्राइस है, तो 880000, करेक्ट, 880000। तो ये 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 880000 हो गया, 2 जीरोस कट हो जाएगा। अभी 105 में 88 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0480049240 और ये जो 2 जीरो ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो उसका सेलिंग प्राइस इतना है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, तो एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेंस। गिवन क्या है, फर्स्ट लिख देंगे सेलिंग एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेंस, है कि नहीं। लेट द कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज, करेक्ट। ये हम लेट लेते हैं, एज्यूम करते हैं। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 × 15 15 रुपीज, है कि नहीं। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू 12 पेन इज इक्वल टू ₹15, है कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 15 हमारा निकला है, तो ₹15 हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन 15/12 इज इक्वल टू 1.25 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट कितना हो गया हमारा, ये 1 रुपी था, कॉस्ट प्राइस 1 था, और सेलिंग प्राइस 1 पेन का कितना हुआ, जो अज्यूम किए थे 1 रुपीज में कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस उसका 1.25, तो 0.25 हमारा गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 1.25 रुपीज माइनस 1 रुपी, जो कि
0.25 रुपीज, हमारा 0.25 रुपीज हमारा गेन हुआ है। अभी प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी निकलेगा, जो कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और प्रॉफिट हमारा कितना है 0.25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 1, जो एज्यूम लिए हैं 1 इनटू 100। ठीक है, अभी हम पॉइंट हटा देंगे तो 25/100 इनटू ये जो 1 है 1/1 इसमें रख देंगे, आपको कंफ्यूजन ना आए इसीलिए, अदरवाइज ये 1/1 और इनटू 1 सेम ही रहेगा आंसर। और 100 तो ये 100 100 कट हो जाएगा, कितना रहेगा 25% प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 25% आंसर। हो गया हमारा आंसर। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, कहां पर कहां किधर किधर आपको यूज करना है वो फॉर्मूला, बस वही देखना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।